खबर चलने का हुआ असर, अब और भी घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। आपको बता दें, विगत दिनों नगर पंचायत बीरपुर हटिया चौक स्थित वार्ड नंबर 8 में बन रहे मार्केट कॉम्प्लेक्स पर अनियमितता को लेकर लोगों ने आरोप लगाया था। जानकारी अनुसार आपको बता दें, बीरपुर पुरानी बाजार हटिया चौक स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें अनियमितता को लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसकी खबर चलने के बाद और भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने लगा है। स्थानीय लोगों द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। संवेदक के द्वारा सारा काम दो नंबर हो रहा है, इसमें इंजीनियर का भी मिले भगत है। क्या क्या यहाँ पे दो नंबर? दो नंबर सरिया, गिट्टी, बालू। इसको लेकर क्या रहेगा आपका आगे का? इसमें हम वरीय पदाधिकारी को जांच के लिए लिखेंगे। क्या नंबर? अजय सिंह, बीरपुर वार्ड नंबर 6। कहाँ था? पिछले दो दिन पूर्व जो है हम लोग यहाँ पर आए थे और हमें सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है काम, जो ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही खराब गुणवत्ता के आधार पर किया जा रहा है और किसी भी मानक पर ये जो है सही नहीं पाया जा रहा है। पश्चात इसके हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे और आपसे पूर्व में भी बातचीत हुई थी, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था कि यहाँ पर क्या क्या खराब काम हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सरिया जो है यहाँ पर गिराया गया है और आप सरिये का क्वालिटी यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी जो है मानक कंपनी का सरिया तो नहीं है, और ये सरिया ऐसा लगता है कि पूर्व में कहीं जो है प्रयोग किया गया है और पश्चात इसके जो है यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। और इस तरह के सरिया से यदि यहाँ का ढलाई किया जाएगा तो इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है कि इस बिल्डिंग का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है सभी लोगों से कि इस पर अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, यहाँ पर आकर जो है काम को देखें और सही काम करवाने का प्रयास करें, और विभाग से भी मेरा अनुरोध है कि इस पर जाँच करके उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्र। जैसे कि आज से दो दिन पहले ही हम लोग एक बार सर्वेक्षण किए गए, जहाँ पे आपको बताया गया था यहाँ के खराब क्वालिटी और गुणवत्ता के विषय में। आज जो कि आज रड जो गिरा हुआ, ये सबसे 4 ग्रेड का, उससे भी ज्यादा खराब अगर रड होगा, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप रड देखिए कैसा क्वालिटी का गिरा हुआ। जो कि यहाँ के जो ये मकान बन रहा है वो पूर्ण रूप से सही तो नहीं बन रहा है, न इस मकान के लिए सुरक्षित है, न यहाँ के समाज के लिए, ना ही व्यापार के लिए, व्यापार भाइयों के लिए जो यहाँ दुकानदारी करेंगे। और इनसे उस दिन में मैंने अनुरोध किया था कि अपने चेयरमैन साहब को कि आप एक बार इसकी जांच करवाइए और आप और जो भी उच्च स्तरीय है उसे एक पत्र लिखा जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। पदाधिकारियों द्वारा यहाँ आया गया है जांच करने? नहीं नहीं आया गया। अमन सा, देखिए यहाँ पर हमसे पूर्व कुछ साथी लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर निरीक्षण किए, उसको यह गुणवत्ता पर यह सही नहीं उतर रहा। और दूसरी बात, यहाँ के जो ये मटेरियल की क्वालिटी है और इनके गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। आप खुद गिट्टी का में देख लीजिए, एक बार गिट्टी की तरफ दिखाइए, वृक्ष के भी वृक्ष के टुकड़े हैं, ये सब पूर्ण रूप से ये परिपूर्ण नहीं है। और इसके बनाने के लिए यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसके गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ पर काम किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो ठेकेदार है यहाँ पर न ये अपने द्वारा कोई इंजीनियर को नियुक्त किए हैं जो यहाँ पर रेगुलर बैठ के यहाँ पर काम कराएं, और न प्राकरण राशि का बोर्ड है। और दूसरी बात ये है, रड जो अभी मेरे भाई लोग और दिखलाए हैं सब ये जंग रोधक होना चाहिए, देखिए क्या आपके सामने में है। और हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो भी काम हो, जिस ठेकेदार के द्वारा, जिस के द्वारा हो रहा है, जिस इंजीनियर के निगरानी में हो रहा है, उसको बैठ के यहाँ काम करवाना चाहिए। क्या लगता है, काम रुकेगा? काम अच्छा तरह होगा तो नहीं रुकेगा, काम में गुणवत्ता नहीं होगा तो रुकेगा। क्या नाम है आपका? मिथिलेश गुप्ता।